भाई, अब दिखाते हैं पतंगे, हम अपनी शॉप दिखाते हैं आपको ना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अपना शॉप शो करा, अपनी वैरायटी शो करा, जो हम लोग उड़ाते हैं ना मैदान में, अब अलग अलग वैरायटीज हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और भाई भी रेडी करें, और समझो एक तरीके से 6-7 महीने गुजर जाएंगे आराम से। इतनी पतंगे बनाई हैं, तैयार करी है, 6-7 महीने तक जरूरत ही पड़ेगी पतंगे। और दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये कितना पुराना पतंग है, चाइना पेपर का, चाइना पेपर है ये, यहाँ लाइटों से नजर आएगा ये जही भाई का बताएंगे। उमर भाई कैसा है ये? अरे यार ये भाई जी तो देर में दोबारा 2011 का पता नहीं। उमर भाई लेके गए 2011 का पता नहीं, बता भी रहे हैं उमर भाई। तो हमें भी पहली बार 2011 तो पर के सही जी भाई के तो पड़े हुए थे पर भाई ये हम नवी बनाए बनाई दे रहे। ये देखिए पता नहीं शब्दों भाई, ये मेरा फेवरेट है, ये रहेगा इस पे। जही भाई के दिखाओ, उसकी बताएंगे और ये दिखाओ आप, ये चेक करें आप, ये हमारे साथ ने गिफ्ट किया है, ये हमें दिए हैं नबी बख्श उस्ताद ने, नबी बख्श चाड़ियो। ये रोम भाई का बताएंगे, ये तावा और बहुत बेहतरीन बताएंगे। ये फर्स्ट टाइम अपने शॉप में ले लिया था, मुझसे तो इतना बड़ा पतंग उड़ा नहीं है, लेकिन अब उड़ रहा है, फर्स्ट टाइम नहीं उड़ा था, अब तो उड़ रहा है। हमने अपने उस्ताद को दे दिए, लेजेंड मैन को दिखाओ जरा, तावे ये उड़ाते हैं, भारी भारी वजनी वजनी वाली पतंगे, तावे ये खामोशी से बैठे हुए थे। ये 2015 ये पतंग जायद थी, इस टाइम ये जायद भाई का पतंग दिखाओ, 2015 का 2015 का पता है। पतंग भी दिखाओ कैसे तैयार किए, अच्छा तैयारी तैयारी दिखाओ ना कैसे जोड़ वोड़ पे आ रही। ये देखो पतंग का तैयार कैसे किया है। अच्छा एक और चीज दिखा दो, ज्यादा जब जिस पतंग में ज्यादा जोड़ होता है ना, लोगों को ये खतरा होता है कि तेज हवा हो कुछ हो, पतंग फटने का वो होता है डर। ये देखो टेपिंग कैसे हुई है इस पर, पतंग नहीं फटेगा अभी कहीं से भी नहीं निकलेगा, इतनी सब हो गई थी, बनाते ही नहीं है, वैसे तो बनती भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त बना है। ये रखते हैं, हाँ 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 ये दिखाओ यार, ये है ना खुर्रम भाई है ना, खुर्रम भाई का पतंग चेक करो यार, सिल्वर चिप में, फिर ये कितना पुराना है, ये नहीं उम्र को पता होगा, अब तो कितना पुराना है, ये भी काफ़ी अधिक है, ये अभी यहाँ तो 3-4 साल हो गए, 3-4 साल पुराना पतंग है ये, वी है। इनके भी कलेक्शन दिखाएंगे ना आपको, इतना भारी पतंग उड़ाते हैं कि आपकी उंगलियां कट जाएंगी। ये खुर्रम की पतंग है, ये खुर्रम भाई की पतंग उड़ाएंगे ना, ये तो उड़ाया था मैंने पहली, जिससे अभी लास्ट टाइम रमजान से पहले उड़ाया था मैंने। और ये दिखाओ कामू का, ये कामू का पतंग, ये कामू का पतंग चेक करें आप, पट्टी का तैयार कैसे किया, W11 फुल बनाया है। ये भी सही भाई का लाल पत्ता मेरा, ये दूसरी, ये भी सही भाई का, ये भी दूसरी नहीं दिया था, ये नहीं, ये उमर ने दिए, ये उमर ने दिए थे छाट के दिए। आलो भाई 2016 का पता, 2016 का चेक करा, खुदम को पता मैं लट पतंग है, लट 2016 लट पतंग लंगोट वाले, ये भी खुदम है, ये भी खुदम है, ये किसने दिया था, ये मुराद बहुत पुराना है भी कामू, ये दिखाया ये सही भाई का पतंग चेक करो, ये अपनी जगह नहीं छोड़ते, सही भाई का पतंग यार एक मुंह पे जाता है ना, फिर बहुत अच्छा रहता है। और ये तो मैंने दिखा दी सही भाई के, ये दिखाओ खुर्रम भाई का पतंग, खुर्रम का अभी का भट्टी का पुराना तावा है, ये तावा पुराने साइड का, हाँ ये पुराने उसमें तावा चलाएगा, लेकिन अभी का पट्टी का। और ये दिखाओ, ये वापसी नहीं आते कटने के बाद, ये तो ये ग्राउंड के पतंग कटती ना वापसी आती है, ये जो है ये तुम बताओ उसका पहले, ये शब्दू भाई का पतंग है, ये भी शब्दू भाई का पतंग है, शब्दू भाई के शागिर्द का पतंग है, पतंग है शाहिद भाई का, ये चीटी जो है ना ये जो लगी है इन्हें शागिर्द शब्दू भाई, और ये मुझे जो काट जा रहा है वो ही लगा सकते हैं, और भी लगा देता है मैं तो, और किसी कोई और उसकी निशानी लगाता नहीं,
लेकिन ये मंसूर भाई एक है शौकीन बंदे अपने बनाता है उनके कार्ड में बना रहे हैं बहुत प्यारी कमानी अंदर है स्टाइल में कमानी चेक करा मैं कि कैसे गुलाई में देखिए कमानी देखो बाहर से ये देखो ये शत्रु भाई ये नॉर्मल पतंग है नॉर्मल पतंग है और ये देखिए पूरी पूरी राउंड में आ रही है सी पतंग पूरा ऐसे राउंड में लगेगा पूरा ऐसा होगा ये शत्रु भाई का डिजाइन वाला पतंग है ये अलाउ नहीं होता लेकिन कोई अलाउ कर देता है कोई नहीं करता ग्राउंड का पतंग नहीं है लेकिन चल रहा है आजकल ये देखो चाइना का ये चाइना पतंग का पतंग है 90 ये है मेरे ख्याल से ये 87 का नहीं रे 1987 इतना पुराना बना हां इतना पुराना पतंग है 1987 का ये 1987 का ये पतंग आया था अफजल भाई से अफजल भाई से शाद ने खरीदे थे फिर शाद से मैंने लिया था शौक है हमारा क्या करें यार और क्या नाम भाई ये जो पतंग है ये शौक है बस क्या नाम है चाइना पे बना पूरा पतंग अभी तक इसकी काफ कटे आप देखेंगे वो नहीं हो रहा अपनी जगह पे बिल्कुल तैयार है पतंग ना वैसा पेपर है ना वैसा बाहर ऐसे काफ खड्डे मिलेंगे ना ऐसा पेपर मिलेगा ये सब चाइना पेपर का बना है आप तो पतंगे आपकी कितने महीने में कितने 2 महीने में जाया खत्म हो रही है पतंग कभी दीमक लग रही कभी क्या लग रहा है कभी पेपर खराब निकल रहा है 2-2.5 महीने के बाद पतंग जवाब दे जाती है ये चेक करें आप मेरा फेवरेट डिजाइन है वो ही दिखा ये खुर्रम भाई का पतंग बनाते नहीं है वो तो ये सामान लाए इसको मजाक में नहीं शौक में लोग सवाल ये काफ खड्डे देखो अभी जगह पे हमारे पास भी पड़े हुए ये सब साल पुराने ये एक साल पुराने लेकिन ये पता नहीं बहुत लाजवाब है ये देखो चाइना ये भी वही है 1987 वो तो अभी क्या ये भी है ये भी 1987 उसी कार्ड के शाद से दिया हुआ है चाइना पेपर में उठाई हुई है ये भी चाइना पेपर शब्दू भाई ने ये तो हमें शब्दू भाई ने बताया कि इस इन दिनों इसने बनवाया था मतलब अगर एक पतंग 25 रुपए की बनती है उस दिनों तो पतंग 90 रुपए की बनवाई थी अब साल में ये पर भी अपना दिया था आप कटने भी उन्होंने सिर्फ लगाने के पैसे उस टाइम पे और ये बताओ ये भी वही है चाइना पेपर ये वो नहीं है ये वो नहीं है ये वाला होगा ये वो नहीं है ये वो है लेकिन ये जो है ये शब्दू भाई ने बाद में बनाया है ये भी चाइना पेपर में चाइना पेपर 2010 तक आया ना मेरे ख्याल ये वाला पेपर हाँ 11-12 तक आया 2011-12 तक आया उसके बाद नहीं आया वाला ये पेपर ये मतलब ये स्टॉक किसी और से लिया था तो ये इसकी सही डेट याद नहीं है ये है 10 साल पुराना ही है और ये बताओ ये वही है अब तो 2022 चल रहा है इसमें अलग टूटाई हुई भी इसमें अलग टूटाई हुई भी है बुटाई चेक करा ऐसे नहीं बुटाई चेक करा ये बुटाई होती है जो लाइन में लगी है अबे ये बताओ इसमें अलग बुटाई हुई इसमें अलग बुटाई हुई कि शौक कैसा है कि कैसे रखी हुई लोगों ने सवाल किया भाई लोगों ने बड़े संभाले रखी है ये तो आज ये ना पैसों में नहीं मिलती है कभी कभार गिफ्ट मिल जाता है हमने निकाल ली वरना कराची में आजकल नमी का बड़ा इशू है अभी इस मौसम में पता नहीं टेढ़ी और ये उस्तादों से गिफ्ट मिल जाते हैं बेचता कोई नहीं है हमारी पतंग नहीं पता जा रही मुझे शौक ये मेरी बनाई हमने बिल्कुल सही है पता ये हमने निकाला था स्टॉक ईद पे लड़ानी थी हमने हदीब में लड़ानी थी हदीब से निकाला है और ऊपर से हमारे और अदनान भाई तो भाई अदनान भाई भाई है यार हमारे यार उनसे शौक करेंगे तो उसके बेच के बाद ये पूरे साल चलेंगे तब तक चलेंगे ये लोगों से बच के आएंगे तकरीबन निकाल देगी 6-8 महीने आराम से पतंग निकाल देगी क्योंकि पतंग हमारी रिटर्न आ जाती है वापस पतंग तो वापसी आती है ग्राउंड में कटने वाले वैसे तो चलने के लिए हमने तो अपना माइंड 6 महीने का बनाया है 6 महीने तक चलती रहेगी पतंग क्योंकि ग्राउंड में वापसी आती है कटती है वापसी जो जाया हो गई वो जाया हो गई लेकिन शौक है 50-60 पतंग है ये कुछ 6-7 महीने चल जाएंगे ये तो भी नॉर्मली सिर्फ उड़ाने के लिए निकाला है तो बाकी जो और रखा हुआ है ना फेवरेट एक से एक पतंग है वो तो फिर बाद में कभी दिखाऊंगा फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना मैं मजीद आपको शौक दिखाऊंगा जो हमने संभाल के रखा है चले भाई ये तो हमने आपको उड़ाने का कलेक्शन दिखा दी ना अपनी क्योंकि मेरे दोस्त यार बोलते हैं यार कलेक्शन दिखाओ कलेक्शन शो कराओ वो तो डोर का भी बोलते हैं
लेकिन अभी हमने सिर्फ आपको उड़ाने का दिखाया, तुमने तैयारी की अपनी, छह सात निकल जाएंगे। तो मजीद और पतंगे भी हैं जो कुछ मेरे घर में भी रखी है, उमर के पास रखी है। अभी तो हम अपने लेजेंड उस्ताद के पास आए हुए थे, फेजी भाई के पास। तो और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये पसंद आई ना तो लाइक ज़रूर करना, अगर पसंद आती है तो। बाकी इंशाल्लाह मैं फिर अगर इसका रिजल्ट लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको डोर का कलेक्शन दिखाऊंगा, उसके बाद मैं अपना बेरिंग जो चरखे होते हैं ना, जो लोग मुझसे बोले कि बेरिंग वाले चरखे दिखाओ, मैं वो भी दिखाऊंगा, पुराने पुराने 20-25 साल पुराने जो हम लोग लेके संभाल के रखे, पता नहीं कितनी कीमत है। ठीक है भाई, सही है, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना।